फिकर मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन को OnePlus Note 2T स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भाई अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हाँ यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें कर्व डिस्प्ले मिल रही है, भाई अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर Realme का फोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 13 मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार नो डाउट जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS दी गई है ना भाई, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन यहां ये Realme UI की तरह नहीं कि भर भर के तो आपको ब्लोटर्स और एड्स ही देखने को मिलेंगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme के अंदर हमें Dimensity 70505G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Dimensity 1300 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन अगर आपको और भी बढ़िया गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 1300 दिया गया, भाई बढ़िया चिपसेट है, बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मोनो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वैसे तो दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन विनर है, भाई काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस आप दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप से क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर आपको और भी ज्यादा बढ़िया फोटो क्लिक करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, सही में यार काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज और वीडियोस आपके क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। साथ ही दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Realme का फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहां पर Realme का फोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Realme फोन के 8+256GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 28,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए। और दोस्तों प्राइसिंग जो है ना भाई ऑफर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना यार इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से और 200 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए। अदरवाइज यार मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ना Moto H 40 स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए, सही में यार वो स्मार्टफोन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।